कि हर विभाग में हम नियुक्तियां कर रहे जा रहे हैं और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी। इस को मैं आपके सामने बताता हूँ। विगत एक वर्ष से कोरोना महामारी कारण विश्व के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें विद्यालय शिक्षा 5,499 रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2,918 रुपये, वन 2,560, ऊर्जा 2021 पर, चिकित्सा शिक्षा 1,968 पर, पुलिस 1,530 पर, राजस्व 790, शहरी विकास 872, उच्च शिक्षा 698, सिंचाई में 786 पर, पशुपालन में 300 पर, कृषि में 470 पर, ग्राम्य विकास में 474 पर, लोक निर्माण विभाग में 312 पर, पंचायती राज में 353 पर, उद्यान में 314 पर, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण 46 पर, पेयजल 100 पर, समाज कल्याण 103 पर, जनजाति कल्याण 158 पर, 55 पर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 82 पर, ऐसे 22,340 ऐसी संख्या हमारी बनती है। और साथ ही कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए अपना लैपटॉप टैबलेट ये हमने किया है। तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियाँ देने जा रहे हैं और साथ ही कोविड महामारी से जिस तरह प्रभाव पड़ा, मैंने कहा कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी, ऐसे उन लोगों को हमने राहत दी है, छूट दी है, टैक्स माफ किया है, उनके कर्मचारियों, वर्करों के होटल्स के